तीन पार्टियों वाली सरकार की मुश्किलों से परेशान उद्धव ठाकरे के सामने उनकी पार्टी के विधायक ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। शिवसेना के इस विधायक की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। दिलचस्प ये है कि विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग किसी विपक्षी पार्टी या फिर हारे हुए उम्मीदवार ने नहीं बल्कि इनकम टैक्स विभाग ने की है। आयकर विभाग का कहना है कि शिवसेना विधायक ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति की गलत जानकारी दी है और इस आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। यामिनी यशवंत जाधव मुंबई की बाइकुला सीट से विधायक हैं। उन्होंने 2019 में यहां से विधानसभा चुनाव जीता था। आयकर विभाग का कहना है कि 2019 के चुनाव में यामिनी ने चुनावी हलफनामे में संपत्ति से जुड़ी गलत जानकारियां दी थीं, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब आयकर विभाग ने यामिनी के हलफनामे की जांच की। जांच में ये भी सामने आया कि कोलकाता की शेल कंपनीज के जरिए कुछ लेन देन किया गया था जिससे यामिनी, उनके पति और परिवार के सदस्यों ने पैसा कमाया। यामिनी ने एफिडेविट में बताया था कि उन्होंने प्रधान डीलर्स नाम की कंपनी से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है। जब जांच हुई तो पता चला कि प्रधान डीलर एक शेल कंपनी है जिसे कोलकाता में बैठा एंट्री ऑपरेटर उदय महावर चला रहा था। उदय महावर वही है जिसका नाम नेशनल हेराल्ड केस में भी सामने आया है। पूछताछ में 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी होने का मामला सामने आया। आयकर विभाग का कहना है कि एफिडेविट में यामिनी ने अपने ऊपर 1 करोड़ का कर्ज होने की बात कही थी जबकि ये उसका अपना पैसा था। पूछताछ में महावर ने बताया कि उसने 2011-12 में प्रधान डीलर्स नाम की कंपनी बनाई थी, इसमें पैसा जुटाया और बाद में इसे जाधव परिवार को बेच दिया गया था। 2019 के चुनाव में यामिनी जाधव ने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपने पास करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति होने की जानकारी दी थी जिसमें से 2 करोड़ 74 लाख रुपए की चल संपत्ति जबकि उन्होंने अपने पति यशवंत जाधव के पास 4 करोड़ 59 लाख रुपए की संपत्ति होने की बात कही थी जिसमें से 1 करोड़ 72 लाख रुपए की चल संपत्ति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।